दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत की सबसे इम्पोर्टेंट जियोपॉलिटिकल इशू के बारे में, जो कि है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। कश्मीर हमेशा से ही भारत पाकिस्तान रिलेशनशिप का एक अहम पहलू रहा है, खास करके तब जब भारतीय सरकार ने 5 अगस्त 2019 को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर द्वारा आर्टिकल 370 को रिवोक किया। आर्टिकल 370 द्वारा जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दी गई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पीओके जम्मू और कश्मीर का वो पार्ट है जिसे पाकिस्तान ने 1947 में वायलेंटली कब्जा किया था। तब से इस एरिया को भारत द्वारा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है। 2,22,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैली जम्मू और कश्मीर में से 30% यानी कि 78,000 स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान के कब्जे में है। दोस्तों आज की इस खास डॉक्यूमेंट्री में हम हिस्ट्री पर नजर डालेंगे और जानते हैं भारत का इस पर क्या स्टैंड है और क्यों भारत पीओके को वापस नहीं ले पाया है। इसी के साथ हम ये भी जानेंगे कि क्या भारत पीओके को एनेक्स कर सकता है, हम इसके इम्प्लिकेशंस और भारत के पास अवेलेबल ऑप्शंस की भी बात करेंगे। तो बने रहें हमारे साथ हमारी इस खास इंफॉर्मेशनल डॉक्यूमेंट्री में। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एक ऑटोनोमस टेरिटरी है जिसे पाकिस्तान ने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है पाकिस्तान कंट्रोल्ड कश्मीर और दूसरा है गिलगित बाल्टिस्तान। दोनों ही रीजन्स भारत के जम्मू और कश्मीर के एक्सटेंशंस हैं। पाकिस्तान कंट्रोल कश्मीर को 10 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया है और मुजफ्फराबाद इस रीजन का कैपिटल है, जो झेलम रिवर की ट्रिब्यूटरी नीलम जिसे इंडिया में किशन गंगा कहा जाता है। वहीं गिलगित बाल्टिस्तान लगभग 65,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है और पाकिस्तान कंट्रोल कश्मीर से 5 times बड़ा है। गिलगित बाल्टिस्तान फिलहाल 3 एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स और 10 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड है। यहाँ पर 50 से ज्यादा 7,000 मीटर और उससे ज्यादा ऊंचाई वाले माउंटेन पीक्स हैं और इसके साथ साथ दुनिया के 3 सबसे लंबे ग्लेशियर्स आउटसाइड पोलर रीजन्स यहीं पाए जाते हैं। 1947 में भारत के पार्टीशन के दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना राज खत्म किया। प्रिंसली स्टेट्स को 3 ऑप्शंस दिए गए, भारत या पाकिस्तान को ज्वाइन करे या फिर इंडिपेंडेंट रहे। जम्मू और कश्मीर के रूलर्स और वहाँ के पॉपुलेशन के बीच और जम्मू और कश्मीर का एक्सेशन कहाँ होना चाहिए, इस पर काफी कॉन्फ्लिक्ट्स थे और कौन कहाँ जाना चाहता है इसको लेकर भी काफी विवाद थे। कुछ स्टडीज के अनुसार महाराजा हरि सिंह ने किसानों पर एक खास टैक्स इम्पोज करना शुरू किया था। इस टैक्स के खिलाफ लोकल रिवोल्ट्स हुए पर एडमिनिस्ट्रेशन ने उसे ब्रूटली सप्रेस किया। एडमिनिस्ट्रेशन के स्ट्रिक्ट एक्शंस के कारण पूछ में, जो वेस्ट पंजाब के रावलपिंडी डिवीजन को बॉर्डर करता है, वहां अपराइजिंग शुरू हो गई। उन्होंने ऑलमोस्ट पूरा जिला कंट्रोल कर लिया और अक्टूबर 3, 1947 को रावलपिंडी में प्रोविजनल गवर्नमेंट स्टैब्लिश किया। अक्टूबर 21 को एक अहम घटना घटी। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के प्रोविंस के पाश्तून ट्राइब पाकिस्तान के सपोर्ट से जम्मू और कश्मीर को एनेक्स करने के लिए घुसे। उन्होंने मुजफ्फराबाद और बारामूल को कैप्चर किया, जो श्रीनगर से सिर्फ 32 किलोमीटर पर था। अक्टूबर 24 को महाराजा ने उस वक्त के होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिलिट्री असिस्टेंस मांगी। पटेल ने रिस्पॉन्ड करते हुए कहा कि भारत उनकी मदद नहीं कर सकता जब तक वो भारत का हिस्सा नहीं बनते। अक्टूबर 26 को महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया और जम्मू और कश्मीर को ऑफिशियली भारत का हिस्सा बना दिया और इसके साथ साथ भारत को डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशंस हैंडओवर किया गया। भारत ने तुरंत ट्रूप्स श्रीनगर भेजी और भारत पाकिस्तान में जंग छिड़ गई और इंडियन फोर्स ने पाकिस्तान सपोर्टेड फोर्सेस को बैकफुट पर ला दिया। 1 जनवरी 1948 को भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जम्मू और कश्मीर के इशू को यूनाइटेड स्टेट्स में रेज किया और इसी साल यूनाइटेड नेशंस ने रेजोल्यूशन 47 पास किया,
इस रेजोल्यूशन के द्वारा पाकिस्तानी ट्रूप्स को जम्मू और कश्मीर से विड्रॉ करने के लिए कहा गया। सब्सिक्वेंटली भारत को मिनिमम ट्रूप्स का आदेश दिया गया और विद्रोह के बाद प्लेबिसाइट होल्ड करने के लिए कहा गया। आपको बता दें कि प्लेबिसाइट उस प्रक्रिया को कहा जाता है जहां वोट्स के जरिए लोगों का किसी इम्पोर्टेंट चीज पर ओपिनियन लिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान के नॉन विड्रॉल के कारण प्लेबिसाइट कभी हुआ ही नहीं। फाइनली 1949 में कराची एग्रीमेंट द्वारा सीज फायर लाइन को एस्टैब्लिश किया गया और दोनों साइड्स ने अपना एग्जिस्टिंग पोजीशन मेंटेन किया जो रफली मॉडर्न लाइन ऑफ कंट्रोल से मैच करता है। मगर कुछ सालों बाद 1963 में पाकिस्तान के चाइना के एक एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान ने 5000 स्क्वायर किलोमीटर काराकोरम ट्रैक को चाइना को गिफ्ट किया। गिलगित बाल्टिस्तान के नॉर्थ वेस्ट में लोकेटेड शाक्षगम अब चाइना के शिनजियांग ओइगुर ऑटोनोमस रीजन का पार्ट बन गया है। इसके बाद 1972 में शिमला एलिमेंट द्वारा सीज फायर लाइन को ऑफिशियली लाइन ऑफ कंट्रोल डिजाइन किया गया और दोनों कंट्रीज ने कश्मीर डिस्प्यूट बायलैटरली सॉल्व करने का डिसीजन लिया। इसी के साथ फरवरी 22, 1994 को इंडियन पार्लियामेंट ने एक रेजोल्यूशन पास किया कि स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज बीन इज एंड शैल बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। इसी के साथ भारत ने डिमांड किया कि पाकिस्तान इलीगली ऑक्यूपाइड टेरिटरीज को वैकेट करके। सितंबर 26, 2020 को यूएन जनरल असेंबली में भारत ने यही स्टैंड रिट्रीट किया और अपना फिजिकल ज्यूरिसडिक्शन एक्सटेंड करने की बात की, लेकिन रिसेंटली पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान को प्रोविजनल फिफ्थ प्रोविंस डिक्लेयर किया। ये यूएन रेजोल्यूशन कराची एग्रीमेंट और शिमला एग्रीमेंट सभी को वायलेट करता है। पीओके भारत के लिए काफी इम्पोर्टेंट है और इसके कई रीजंस हैं। स्ट्रेटेजिकली पीओके कई कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है, जैसे वेस्ट में पाकिस्तान, नॉर्थ वेस्ट में वखान कॉरिडोर, अफगानिस्तान और नॉर्थ में शिनजियांग चाइना, और साथ ही साथ ईस्ट में भारत के साथ। इसके साथ साथ पीओके फ्रेश वाटर रिसोर्सेज और नेचुरल रिसोर्सेज में भी अबंडेंट है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ मीरपुर और मुजफ्फराबाद में गोल्ड, कोल, चौक, ग्रेफाइट और बॉक्साइट भी अवेलेबल है। जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस की बात करें तो चाइना ने $50 बिलियन इन्वेस्ट करके चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर स्टैब्लिश किया है जो पीओके से पास होता है और ये भारत के सॉवर्निटी पर मेजर थ्रेट है। इसी के साथ गिलगित बाल्टिस्तान वाया अफगानिस्तान भारत के लिए गेट टू सेंट्रल एशिया है और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का इम्पोर्टेंट लिंक बन सकता है। भारत की कंसंट्रेटेड एफर्ट्स के बावजूद हम पीओके को कैप्चर नहीं कर पाए हैं। इसके कई रीजंस हैं। पीओके के माउंटेनियस टेरेन के कारण उसे एक्सेस करना डिफिकल्ट है। वही पाकिस्तानी टेरिटरीज कम एलिवेशन पर होने के कारण इसे इजिली एक्सेस कर सकते हैं। भारत की प्राचीन काल से नो फर्स्ट अटैक पॉलिसी रही है और हर एक सरकार उस पर कायम रही है। अगर पाकिस्तान कोई वॉर फ्रंट खोलता है तो फिर एक अच्छा मौका बन सकता है भारत के लिए पीओके को वापस लेने का। पीओके में कई जिहादिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट फ्रैक्शंस एंटी भारत सेंटिमेंट और प्रो पाकिस्तान सेंटिमेंट रखते हैं। इसके अलावा यहाँ की एथनिकली नॉन कश्मीरी पॉपुलेशन अपने आप को कश्मीर से रिलेट नहीं कर पाती, इसी कारण भारत के लिए इतने सालों बाद इनका सपोर्ट एस्टैब्लिश करना भी मुश्किल हो सकता है। अगला रीजन है चीन का वन बेल्ट एंड वन रोड इनिशिएटिव और सीपेक इनिशिएटिव। अगर भारत पीओके में इंट्रूड करता है तो हमें चाइनीज एग्रेशन का भी सामना करना पड़ सकता है। फाइनली पाकिस्तान, भारत और चीन तीनों न्यूक्लियर पावर्ड कंट्रीज हैं। सिक्योरिटी इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के पास लगभग 280 केजी का वेपन ग्रेड प्लूटोनियम स्टॉकपाइल है। न्यूक्लियर रिटेलिएशन और पॉसिबल वॉर दुनिया भर के लिए एक सरदर्द हो सकता है और इसके साथ साथ इस पूरे रीजन की शांति को भी हिंडर कर सकता है। इसलिए भी पीओके को मिलिटरीली कैप्चर करना एक मेजर चैलेंज रहा है। न्यूक्लियर वेपन्स की इमरजेंसी ने दुनिया भर के देशों को किसी भी तरह के वॉर में एंगेज होने से दूर किया है। फॉर एग्जाम्पल, चाइना ताइवान को अपनी टेरिटरी मानता है, लेकिन यूएसए के ताइवान को सपोर्ट की वजह से उसने आज तक इसको मिलिटरीली चर करने के प्लान को बैकफुट पर ही रखा है।
भारत को अपना स्टैंड मजबूत करने के लिए कई इम्पोर्टेंट स्टेप्स लेने होंगे। पहला ऑप्शन है कि भारत एक पीओके एडमिनिस्ट्रेशन इन एग्जाइल सेटअप कर सकती है, जिसमें पीओके रिफ्यूजीज पार्टिसिपेट करेंगे। इस स्टेप से पीओके रिफ्यूजीज को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा अपने ग्रेवांसेस वॉइस करने का, और वो एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट भी बन सकते हैं। पीओके की पॉपुलेशन ने कई बार पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाई है। इसके साथ साथ जम्मू और कश्मीर के लेजिस्लेटिव असेंबली में 24 सीट्स पीओके के लिए रिजर्व्ड हैं, जो फिलहाल वेकेंट है। जम्मू और कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत जब तक पाकिस्तान इसको वेकेट नहीं करता और पीओके में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट नहीं होते, तब तक यह सीट वेकेंट रहेगी। इस एक्ट को अमेंड करके सीट्स भरी जा सकती हैं और पीओके में भी डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन हो सकती है। वहीं गिलगित बाल्टिस्तान के लोग भी काफी नेग्लेक्टेड फील करते हैं। उन्हें अब तक पाकिस्तान में फुली इंटीग्रेटेड नहीं किया गया है और वे काफी डिस्क्रिमिनेशन भी फेस करते हैं। इसी के साथ बढ़ते चाइनीज प्रेजेंस के कारण लोकल्स फियर करते हैं कि उनकी टेरिटरी चाइना को सौंप दी जाएगी। इस कारण भारत एडवांटेजियस पोजीशन में होगी अगर गिलगित बाल्टिस्तान रिप्रेजेंटेटिव और प्रो भारत एक्टिविस्ट को भारत में रहने का इनिशिएटिव इनविटेशन दिया जाए। मोस्ट इम्पोर्टेंटली, भारत को चाइना के साथ अपने डायलॉग इनिशिएट करने चाहिए। इस स्टेप के द्वारा हम गिलगित बाल्टिस्तान में सीपेक इन्वेस्टमेंट को एड्रेस कर सकते हैं। हालांकि ये कितना प्रॉफिटेबल होगा वह काफी डिबेटेबल है, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा से एंटी भारत इंसर्जेंट्स को सपोर्ट किया है। इसके अलावा अफगानिस्तान तालिबानी इंसर्जेंसी के कारण पॉलिटिकली अनस्टेबल है। यूएसए के विड्रॉल के बाद अफगानिस्तान में एक प्रो भारत गवर्नमेंट पावर में आई तो भारत को काफी बेनिफिट हो सकता है। अगर भारत अफगानिस्तान को मिलिटरीली सपोर्ट एक्सटेंड करता है तो पीओके को कैप्चर करने में भी आसानी होगी। फाइनली, ग्लोबल सपोर्ट भारत की सभी मूव्स के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर हम अफगानिस्तान में यूएसए की मदद करें तो यूएसए अफगानिस्तान से क्विकली विड्रॉ कर सकता है और उन्हें भारत के रूप में एक रीजनल पावर मिल जाएगा। बदले में यूएसए भारत को पीओके के मुद्दे पर ग्लोबल सपोर्ट दिलाने में हेल्प कर सकता है। चाइना पाक नेक्सस के अगेंस्ट भारत ऑलरेडी यूएस के साथ क्वाड में एंगेज कर रहा है। क्वाड के साथ इम्प्रूविंग रिलेशंस को भी भारत ग्लोबल लेवल पर लेवरेज कर सकता है। अगर 78,000 स्क्वायर किलोमीटर के इस पार्ट को भारत नियरली अक्वायर करता है तो यह गारंटी नहीं है कि लॉन्ग लास्टिंग पीस यहाँ पे इंश्योर्ड होगी। भारत का ऑलमोस्ट 35% बजट डिफेंस पर स्पेंड करता है, जिसका मेजॉरिटी शेयर जम्मू और कश्मीर में जाता है। यह डिफेंस बजट कश्मीर इंसर्जेंट्स और पाक सपोर्टेड टेररिस्ट को काउंटर करने के लिए होता है। अगर हम पीओके को मिलिटरीली कैप्चर करेंगे तो इसका इकोनॉमिक कॉस्ट बढ़ सकता है, क्योंकि इंसर्जेंसी एक मेजर प्रॉब्लम है। इसको एड्रेस करना जरूरी है। इस मिलिट्री पोजीशन से नेचुरल रिसोर्सेज डाइवर्ट हो सकते हैं। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट रेस्ट ऑफ इंडिया की डेवलपमेंट एक्टिविटीज पर पड़ेगा। फाइनली, आर्टिकल 370 के रिवोकेशन के बाद ये बेटर होगा कि भारत पहले जम्मू और कश्मीर को स्टेबलाइज और डेवलप करे। यहाँ का डेवलपमेंट और पीपल्स सपोर्ट भारत को पीओके को वापस कंट्रोल करने में काफी मददगार साबित होगा और फ्यूचर पीस इंश्योर करने में भी हेल्पफुल हो सकता है। इन टोटालिटी, सभी रीजनल पार्टीज और स्टेक होल्डर्स को एक्टिवली डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करके भी हम पीओके पर एक यूनाइटेड नेशनल स्टैंड ले सकते हैं। आपका क्या ओपिनियन है? इन बताए गए मेथड्स के अलावा और ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जो हमें मदद कर सकते हैं पीओके को वापस पाने में? और यहाँ पर जो भी पॉइंट्स हमारे द्वारा मेंशन हैं, उसमें क्या क्या डिबेट के पॉइंट्स उठ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे ऐसे ही इंफॉर्मेशनल डॉक्यूमेंट्री के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।